Hello everyone, welcome to Gyan Geography. So today we will do a very interesting topic, that is globe, latitude and longitude. So latitude and longitude क्या है, इनका क्या concept है, वो सब समझने के लिए हमें क्या करना है, video को end तक देखना है, अच्छी लगे तो like करना है and don't forget to subscribe the channel. Okay? So start करते हैं. Earth की shape हमें सबको पता है कैसी है? Yes, geoid shape. Means it is almost a sphere like shape. And I have told you in my earlier video that geography is all about the study of location. Geography में हम locations की study करते हैं. It is the location wise study of things, features or phenomena over the earth's surface. And that is the core nature of geographical studies. तो earth के sphere like surface से लोकेशंस की स्टडी करने के लिए हमने एक ग्रिड सिस्टम ड्रॉ किया है और ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उसी ग्रिड सिस्टम के पार्ट्स हैं जिनसे हमें किसी भी जगह की पिन पॉइंटेड लोकेशन का पता चलता है. ग्राफ जैसे हमने सबने देखा है कैसा होता है, मैथ्स की क्लासेस में हमने बनाया भी है छोटी क्लासेस में. तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं. एक्स एक्सिस की लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस की. तो इन सिमिलर वे अर्थ के सरफेस पे भी हमने लाइंस अज्यूम की हैं, जैसे एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ही लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं जो जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. तो ऐसा ही ग्रिड सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिनसे हमें किसी भी जगह की पिन पॉइंट या प्रिसाइज लोकेशन का पता चलता है. इसी से हम लोकेशनल स्टडी सारी ज्योग्राफी में करते हैं. फर्स्ट लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड कैसे मेजर करते हैं? अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है, कोर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल कोर का भी सेंटर, वहां से लैटिट्यूड को मेजर किया जाता है और डिग्रीज में मेजर किया जाता है एंगल बना के. लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस से अगर कोई भी पॉइंट है जिसकी लोकेशन बतानी है तो हम वहां से अर्थ के सेंटर में से हमने वो अज्यूम करके एंगल बनाना है. और इट इज अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर से मेजर किया हुआ होता है और डिग्रीज में हम इसको मेजर करते हैं, एंगल मोस्टली डिग्री में ही मेजर करते हैं. तो यही होता है लैटिट्यूड, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे कोर से मेजर किया हुआ एंगुलर डिस्टेंस. और इक्वेटर को हम बेस मान के, जैसे इक्वेटर की एक लाइन हमने बना दी जो कि एक कंप्लीट सर्कल है, उसके बाद इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है, हेमिस्फीयर्स में, नॉट सेमी सर्कल, हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. तो ऐसे ही 0 डिग्री इक्वेटर को बेस मान के हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह करके 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक की लाइन और नीचे साउथ पोल तक 90 डिग्री की लाइन हमने अज्यूम की हुई है, ये ड्रॉ की है, जिसमें 1 डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर एंड 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स. अब ये 111 किलोमीटर के बीच में भी कोई जगह होगी तो और प्रिसाइसली डिफाइन करने के लिए हमने 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया है और 1 मिनट को भी 60 सेकेंड्स में. जैसे घड़ी में हमारा टाइम चलता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सिमिलर वे में ये डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन ये जो मिनट है ये डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का नहीं है. एंड टोटल लैटिट्यूडनल लाइन हमारी 179 है क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ तक एंड 90 डिग्री साउथ. तो ये 90 लाइन्स नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 लाइन सदर्न हेमिस्फीयर में होगी, टोटल 180 प्लस 1 इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन. लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये लाइंस नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं
इक्वेटर की जो लाइन है वो सबसे बड़ी लाइन है। उसके बाद जैसे कि अर्थ स्फीयर है तो नॉर्थ पोल तक या पोल वर्ड जाते जाते लाइंस जो है वो छोटी होती जाएंगी और नॉर्थ पोल तक वो सिर्फ एक पॉइंट ही बचता है, वो लाइंस नहीं है। तो टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस हमारे पास 179 है एंड दो पॉइंट्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। दीज आर सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन हमारे पास है एक तो 0 डिग्री इक्वेटर जो कि अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में टू इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। सेकेंड है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज ऑफ 23.5 डिग्री साउथ। अब हमने यही क्यों इम्पोर्टेंट लाइन डिफाइन की है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनको नाम दिया है, कोई 25 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री की कोई और लाइन क्यों नहीं है? बिकॉज सन की जो ओवरहेड मतलब कि स्ट्रेट जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही जाती हैं। सीधी जो रेज पड़ती हैं वो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ती हैं। साल में एक बार सन की ओवरहेड जो पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहती है, साल में एक बार ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इक्वेटर पे साल में 2 बार सन की वर्टिकल पोजीशन होती है, वर्टिकल रेज यहाँ पे पड़ती हैं इक्वेटर पे 2 बार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे साल में एक एक बार। तो यहाँ पे सन की वर्टिकल रेज पड़ने की वजह से ये जो जोन है टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन ये सबसे ज्यादा हीट वाला जोन है। यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा होती है बिकॉज सन की यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेज बढ़ती है। टेम्परेट जोन में सन की रेज स्लैंटिंग हो जाती है। अब स्लैंटिंग होगी तो दूर होंगी, ज्यादा एरिया कवर करेंगी तो वहां पे ठंड ज्यादा है, वहां पे सन की रेज स्लैंटिंग होती है तो ठीक से नहीं पहुंचती और फ्रिजिड जोन में बिल्कुल ही नहीं पहुंचती है या बहुत ही लिटल अमाउंट में वहां पे सन की रेज जाती है, तो वहां पे सबसे ज्यादा ठंड है। टेम्परेट जोन में विंटर जो होती हैं वो हार्श होती हैं, सीवियर होती हैं और समर माइल्ड रहती है। नेक्स्ट है ये देख लेते हैं कि कंट्रीज कौन कौन सी पास होती हैं इक्वेटर से। ये सबसे ज्यादा हॉट रीजन है। इक्वेटर से जो कंट्रीज पास होती हैं इनमें समर सीवियर होती है। फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर पास होती है। सबसे पहले तो इक्वेडोर है, इक्वेटर से ही नाम लिया गया है इक्वेडोर। सेकेंड इज कोलंबिया, थर्ड इज ब्राजील। ये 3 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की जिसमें से इक्वेटर पास होती है। फिर अफ्रीका में है साओ टोम एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गेबन, युगांडा, केनिया एंड सोमालिया। तो ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर पास होती है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। फिर ओशिनिया में, ओशिनिया का पार्ट है ये इंडोनेशिया। ये जो आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के ये पास होते हैं और ये जो मालदीव्स और किरीबाटी हैं इनके लैंडमार्क से इक्वेटर पास नहीं होती, इनके वाटर मार्क से पास होती है। मीन्स इनके साउथ में मालदीव्स और किरीबाटी दोनों आइलैंड्स के साउथ में जो ओशन पड़ता है वाटर बॉडीज हैं उनमें से इक्वेटर पास होती है, इनके लैंडमार्क से नहीं होती। तो टोटल 11 कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर पास होती है और प्लस 2 जिनके ये मालदीव और किरीबाटी के वाटर मार्क से पास होती है, तो टोटल 13 है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती हैं, नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको और बहामास। बहामास नॉर्थ अमेरिका का ही आइलैंड कंट्री है। और अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, निगर, लीबिया एंड इजिप्ट,
ये सारी कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास होती हैं। और एशिया में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमन, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान, ये एशिया की कंट्रीज हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये भी तीन ही कॉन्टिनेंट से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देख लेते हैं, ये साउथ में आ गई। तो साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं चार, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। ब्राजील में से इक्वेटर भी देखा था हमने, पास हो रहा था, क्योंकि ब्राजील काफी बड़ी कंट्री है। फिर अफ्रीका में बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक और मेडागास्कर आइलैंड। फिर ऑस्ट्रेलिया का पूरा कॉन्टिनेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इनसे पास हो रही है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। जैसे लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं हम लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की वर्टिकल लाइंस बनती हैं। ये भी अर्थ के कोर से ही एंगल मेजर किया जाता है। लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट, यहाँ पे बेस प्राइम मेरिडियन को लिया गया है। जैसे वहां पे लैटिट्यूड में इक्वेटर को बेस लिया है, इक्वेटर से फिर नॉर्थ और साउथ पैरेलल लाइंस बनाई है। यहाँ पे प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ये प्राइम मेरिडियन क्या चीज है? ब्रिटेन में नियर लंदन एक रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, तो इसीलिए हमने उसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन मान लिया। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ब्रिटेन में एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में। तो इससे ईस्ट और वेस्ट हमने जो लाइंस बनाई हैं, वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं। ये लाइंस इक्वल होती हैं लेकिन पैरेलल नहीं होती। इनमें सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे होता है, नॉर्थ पोल तक आते आते डिस्टेंस बहुत ही कम रह जाता है। नॉर्थ पोल में तो मीट ही करती हैं, वहां पे इनमें डिस्टेंस होता ही नहीं। सिमिलर वे में 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.3 किलोमीटर, 1 डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट एंड 1 मिनट फर्दर डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड। टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है 360 डिग्री का होता है सर्कल, तो सेम 360 ही लाइन्स है लॉन्गिट्यूड की। तो इन अ वेरी इजी वे वी कैन डिफाइन लोकेशंस ऑन आर ग्लोब, ऑन आर अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉशिंगटन डीसी की लोकेशन है 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। बिकॉज ये जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका पूरा कहाँ लाई करता है? नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हम देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है, और 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो सिमिलर वे जैसे ग्राफ में पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं, ऐसे ही 39 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री वेस्ट को हम लोकेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वॉशिंगटन डीसी की लोकेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड योर ऑल डाउट्स अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बेस्ट विशेस, गुड लक।